हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हेड कांस्टेबल की पोस्ट आई है। यह जो पोस्ट है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा निकाली गई है। बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन की, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मई 2022 से अप्लाई होना चालू हो गया है, और लास्ट डेट की बात करें तो 16 जून 2022 तक चलेगा। इसमें जो पेमेंट है आपका वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आप कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो फी पेमेंट हो आप 17 जून तक कर सकते हैं, और जो चालान का है आपका वो 20 जून तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो आपका सितंबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। अगर कोई भी आप गलती करते हैं इस फॉर्म में तो करेक्शन का भी यहाँ पर समय दिया गया है, जो आपका 21 जून से लेकर 25 जून तक रहेगा। यह जो नोटिस है एग्जामिनेशन का वो SSC के द्वारा निकाला गया है, दिल्ली पुलिस का, ठीक है, जो आप इसके वेबसाइट पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं। इसका जो एग्जाम है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है ना, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें आपका 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितना वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल इंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट यानी PNMT टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट सिर्फ दिल्ली में ही करवाना है। आफ्टर PNMT टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पे मैट्रिक्स की बात करें यानी सैलरी की, तो यहाँ पर आपका जो लेवल होने वाला है वो 4 लेवल है, और आपका सैलरी जो है 25,500 से लेके 81,100 तक बनने वाला है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। मेल में आपका 559 वैकेंसी है और फीमेल में आपका 276 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो मेल में जो आपकी वैकेंसी है जिसमें, ठीक है ना, 15 जो वैकेंसी है वह PWD यानी दिव्यांगों के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है ना। और उसी तरह फीमेल में भी दिव्यांगों के लिए 8 सीट रखी गई है रिजर्व में। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए, जो आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2022 से। रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप अपना रिलैक्सेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उनके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, और प्रोफेशनल की बात करें तो आपके पास इंग्लिश टाइपिंग में कम से कम महारत हासिल होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपके आपके पास 20 वर्ड पर मिनट की महारत होनी चाहिए। इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर की बात करें तो जो भी कैंडिडेट NCC में सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, यानी अपने 10th लेवल से अगर उन्होंने NCC का C लेवल सर्टिफिकेट, B लेवल सर्टिफिकेट और A लेवल सर्टिफिकेट है, तो उनको एग्जामिनेशन में छूट दिया जाएगा 5%, 3% और 2% का। वेटर्स ऑफ एडिशनल मार्क की बात करें तो जो भी कैंडिडेट 12th पास है वो एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन अगर उनके पास डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो उनको भी कुछ रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, जिसे आप देख सकते हैं। अप्लाई की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको www.ac.nic.in पर जाकर विजिट कर इसे इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 100 EWS जनरल और OBC को पेमेंट करना होगा, बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनको एक भी रुपया फ़ी नहीं देना होगा, यानी एग्जेम्प्टेड होने वाला है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। करेक्शन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है, तो आप उसका करेक्शन 21 जून से लेकर 25 जून तक, यानी आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा, जिसके तहत आप उसका उसमें अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें करेक्शन का कुछ चार्ज भी लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 200 लगेगा और सेकेंड टाइम आपका 500 लगेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल रीजन में आपका भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, यानी जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर अपना स्टेट वाइज और रीजन वाइज देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिया जाएगा SSC के द्वारा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, और फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट में आपका
क्वालिफाइंग होना पड़ेगा, ठीक है ना। और टाइपिंग टेस्ट में आपको 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाकी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में भी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं लाना, सिर्फ क्वालिफाइंग होना है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1.5 आवर यानी आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ आपको मिलने वाला है 0.50, ठीक है ना, एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। सिलेबस की बात करें तो क्या क्या आपको पढ़ना है, तो ये आपका संक्षिप्त में सिलेबस दिया गया है। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथ आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस यानी आपका रीजनिंग 25 मार्क्स का होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 25 मार्क्स, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका 10 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है। आपको डीपली यहाँ पर सिलेबस देखना है तो आप यहाँ पर डीपली सिलेबस, ठीक है ना, टॉपिक वाइज देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेल को क्या करना है और फीमेल को क्या करना है। तो जो भी मेल अप टू 30 इयर्स, 30 टू 40 इयर्स और एबव 40 इयर्स है तो उनको 1600 मीटर का दौड़ करना है, ठीक है ना। 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट में लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप करना है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जिनका एज अप टू 30 ईयर, एबव 30 टू 40, एबव 40 ईयर है तो उनको 800 मीटर का रेस करना पड़ेगा, जिसमें 5 मिनट का समय, 6 मिनट का समय और 7 मिनट का समय दिया जाएगा। उनको लॉन्ग जंप करना होगा और हाई जंप करना होगा। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो मेल फीमेल की, तो मेल कैंडिडेट को हाइट जो होगा 165 सेंटीमीटर का होगा। रिलैक्सेशन आपको 5 सेंटीमीटर दिया जाएगा। उसी तरह चेस्ट आपका 78 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना, और 82 सेंटीमीटर तक होगा। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट की बात करें हाइट की तो 157 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल यहाँ 5 सेंटीमीटर है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 25 मार्क्स का है और आपको 10 मिनट ड्यूरेशन दिया जाएगा। उसी प्रकार आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 10 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं, सिवा आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग होना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में जो भी सिलेबस है 10 मिनट में क्या क्या आपको करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, आप खुद इसे देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लगाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।